हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक इन माई न्यू ब्लॉग। माई नेम इज कृष्णा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द लाइफ अनलॉकर। और आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ अपनी दुकान से। तो आज मैं भरतपुर जा रहा हूँ और पूरा सेटअप तैयार है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अपना टैंक बैग, फर्स्ट टाइम इसको यूज करूँगा आज मैं। और ये रहा अपना कैमरे का सेटअप, कैमरा इसमें है, वो चार्ज होगा अभी तो मैं इसको जाते जाते लगा लूँगा। ये मैंने बैट इसमें लगा दिया है और इसका ये वायर, ये रहा, मैं इसको यहाँ निकाल लूँगा थोड़ा सा। और अपने तो इसका वायर ये रहा, तो मैं इसको यहाँ निकाल लूँगा थोड़ा सा और उसमें लगा दूँगा चार्जर में, बाइक के में। और ये अपना सेटअप है, कैमरा चार्ज हो जाएगा इतनी देर में। और अब उसी रास्ते पे जाऊँगा, तो मैंने सोचा ब्लॉग रास्ते में थोड़ा बहुत शूट कर लूँगा, फिर सीधा आपको भरतपुर में मिलता हूँ, काम करूंगा उसके बाद मिलूंगा। तो चलते हैं भरतपुर। Three hours later. तो दोस्तों, मैं आया था जेएसडी के शोरूम और ये देखिए मेरी बाइक पीछे खड़ी है। इसमें क्या एक प्रॉब्लम आ रही है, वो मैं बताऊंगा, नहीं क्या है बता दूंगा तो सब लोग उसको छेड़ेंगे, इसलिए जब तक वो सही नहीं होगी तब तक मैं उसको रिवील नहीं करूंगा। तो टेक्नीशियन यहाँ पे आया नहीं है और बाइक इसलिए सही नहीं हो पाई। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और निकल के फिर देखता हूँ कहाँ जाता हूँ, या तो घर जाऊँगा या फिर एक जगह काम और वहाँ जाऊँगा। ठीक है, चलते। तो दोस्तों, हमेशा की तरह मैं रेडी हूँ और यही एक शीशा है इस पूरे शोरूम में। अभी छोटा शोरूम है, थोड़ा बड़ा बन जाएगा तब आपको बड़ा भी दिखाऊंगा। और अब चलते हैं अच्छी सी एक राइड पे, क्योंकि बहुत काम कर लिया दुकान का। और ये है अपना टैंक बैग, मैंने इसमें मोबाइल रख दिया है अंदर चार्जिंग के लिए, इसको चार्जिंग पर लगाऊंगा। और गंदा भी आज ये बहुत हो गया, बहुत धूल उड़ रही है आज, गर्मी बहुत है आज, धूप बहुत तेज निकल रही है। चलते हैं और आपको मिलते हैं बाइक पे। तो भाई, आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक रहा है, काम ही थे वो सारे काम करे, लेकिन जिस काम के लिए मैं यसडी में आया था ना, वो काम बिल्कुल नहीं हुआ। एक्चुअली क्या है इसके, जो बताऊं कि नहीं बताऊं आपको, अभी नहीं बता रहा, बाद में बताऊंगा जब ये फिर से आऊँगा, दोबारा आना पड़ेगा मुझे यसडी के शोरूम। और अभी जा रहा हूँ मैं एक अच्छी सी राइड पे, राइड पे जाना बहुत ज़रूरी होता है, बाइक लेके बस को आया हूँ, राइड पे नहीं गया तो बेकार है ना। आज ही आज मैंने ये चला दी है, 50-60 किलोमीटर मैंने चला दी होगी आज ही आज। तो अब चलते हैं, लग रही है अपने को भूख, और कुछ खाते हैं और उसके बाद चलते हैं वापस घर पे। आए हैं ऑन द हाईवे, वास्तव में हाईवे पे जाके तो ऐसा लग रहा है कि मैं बस चलता चला जाऊं, रुकूं नहीं कहीं पे। और मेरी राइड इसलिए नहीं आ रही है, मैं आप लोगों को बता दूं मेरी राइड क्यों नहीं आ रही है। इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि मैंने इसके कुछ गियर्स मंगाए, जब तक फुल गियर्स नहीं आया थे ना तब तक मैं निकलना नहीं चाहता। और दूसरा, आरसी अभी नहीं आई है मेरी बाइक की, आरसी को लगभग 4-5 दिन और लगेंगे आने में, ऐसा बोला है उस एजेंसी में, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी कब तक आएगी। तीसरा, मेरे पास अभी टेल बैग नहीं है, टेल बैग होता तो मैं निकल जाता, बैग सामान रखने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही चाहिए ना, तो वो टेल बैग भी नहीं है। यहाँ पे तो सब ऑर्डर से मंगाना पड़ता है, छोटी जगह रखते हैं नहीं ये लोग, ऑर्डर से मंगाते हैं जो भी कुछ मंगाते हैं, तो काफ़ी महंगे आते हैं ये सारे सामान, मतलब बहुत सामान है जो यहाँ मिलता है नहीं, सब ऑर्डर पे मंगाना पड़ेगा, या तो फिर एक दिन दिल्ली चक्कर लगाना पड़ेगा, दिल्ली जाऊँगा वो सब खरीद के लाऊँगा तब जाके लाऊँगा इसमें। इसीलिए मैं क्या है राइड पर नहीं निकल पा रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ 2-3 दिन की जाऊँ, फिर मन इसलिए पीछे हो जाता है कि नहीं पहले आ जाने दो सामान को सारे को, तभी निकलूँगा अच्छे तरीके से जाऊँगा तो राइड भी अच्छी हो पाएगी मेरी। एक्सीडेंट प्रोन जोन, इधर चलो भैया। मैं यहाँ पे काठी रोल खाने आया हूँ क्योंकि यहाँ पे काठी रोल बहुत अच्छा मिलता है, मैंने सुना है। पहले तो खाने की इच्छा थी, कॉफी पहले आ गई है, अब बोलता हूँ भैया वो और भिजवा दो यार, पहले कॉफी आ गई ठंडी हो जाएगी। काठी रोल मैंने बोला था ना तभी ले आते साथ में, अभी ठंडी हो जाएगी। हाँ ठीक है, हो गया काम।
सो फाइनली दोस्तों लगभग आधा पौन घंटे के बाद अपना काठी रोल बन के आया है, अब खा के देखता हूँ कैसा है। तो मैं खा पी के निकल चुका हूँ घर के लिए वापस, और थोड़ा वो सामान है जो मैं लूँगा और उसको लेके निकल जाऊँगा। अभी मुझे यहाँ पे लगभग 1.5 घंटा हो गया था बैठे 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 बैठे, मतलब ये मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस था ये ओपन कॉफ़ी बार में। कॉफ़ी अच्छी थी लेकिन टाइम इन लोगों ने इतना लगाया था काठी रोल लाने में, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। परेशान हो गया मैं बैठे 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 बैठे, मतलब मेरा इतना टाइम ख़राब किया है। इतनी देर में तो मैं आगरा पहुँच जाता यहाँ भरतपुर से। अब चलते हैं घर और मिलते हैं आपको सीधा घर पे, नहीं रास्ते में बात करते हुए चलते हैं। तो ये आ गया अपना सारस चौराहा, यहाँ से हमें जाना है राइट हैंड। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, निकल जाने रे, तू बड़ा हुआ तो क्या हुआ, निकलने नहीं देगा किसी को। ओहो ये है ना ट्रक्स, ये साले उनको देख के डर लगता है। ओ तेरी, ये नहीं निकलने देगा भैया। जैसे ही मैं अपनी रेस बढ़ाता हूँ उधर की साइड ही मोड़ लेता है राइट हैंड की तरफ, तो बड़ा इतना है ना। अब देखता हूँ निकल तो गया। तो दोस्तों आज क्या इतनी गर्मी थी, सुबह धूप इतनी कड़क थी कि हालत ख़राब हो गई। जैकेट के अंदर मैंने क्या है एक वॉर्म टी शर्ट पहन रखी है, तो मैंने सोचा बाइक पर ठंड ज़्यादा लगती है ना तो मैं पहन के आ जाता हूँ, और मेरे पसीने नहीं रुके आज, इतनी गर्मी थी, सही बता रहा हूँ हालत ख़राब हो गई यार। अब थोड़ा सा बेटर महसूस कर रहा हूँ, जब बाइक पे चल रहा हूँ नहीं खड़े खड़े तो गर्मी पसीने आ रहे जा रहे हैं, ऊपर से हेलमेट, और ये सोच के मुझे लग रहा है कि गर्मियों में क्या हालत होने वाली है बाइक के साथ। कोई नहीं, कम से कम ऐसे चलाऊंगा तो हवा तो लगेगी लगेगी ना, तब अच्छा महसूस कर लूँगा। अपने को बनना राइडर है, टॉप राइडर, और ये ट्रक है जो मुझे आज निकलने नहीं दे रहे हैं आगे। कोई बात नहीं, मैं आराम से चला लूँगा। और आज सुबह भी मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ था, जैसे ये सामने ट्रक आ रहा है ना, ऐसी ट्रक आ रहा था उसके पीछे आ रही थी लोक परिवहन वाली बस, जो राजस्थान ने तो प्राइवेट को ठेका दिया हुआ है ना, उसमें लोक परिवहन लिखा हुआ होता है बस पे। मुझे क्या पता था कि उसको बाइक पसंद नहीं आती होगी या फिर बाइक को वो कुछ समझते ही नहीं है। मैं जैसे ही उसके पास पहुंचा उसने स्टीयरिंग मेरी तरफ मोड़ दी, वो पता नहीं बच गई भाई, कैसे बच गई मुझे नहीं पता। नहीं आज तो मज़ा आ ही जाते, उस टाइम मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, रिकॉर्डिंग कर रहा होता ना आपको ऐसा लगता कि ख़त्म मामला ख़त्म, इतना ख़तरनाक सीन था वो। ये अपना महिंद्रा का शोरूम, वन डे आई विल परचेज समथिंग फ्रॉम महिंद्रा वन डे, वो पता नहीं वन डे कब आएगा लेकिन मंडे आएगा, कुछ स्पेशल सा खरीदूंगा स्पेशल सा। ओहो काउज, ये देखिए क्या हो रहा है, कहीं काउ कहीं डॉग्स, बार 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 कोई ना कोई आ रहा है सामने, तक गया सूरज पेड़ों के पीछे। ये है अपना कुम्हेर का बाईपास, कुछ नहीं दिख रहा। यार कितनी जल्दी है लोगों को। सो दोस्तों बेहतरीन सनसेट के साथ और बेहतरीन रास्तों के साथ हम भी पहुंच चुके हैं कुम्हेर, बाजार में होके नहीं जाऊंगा, ये है पीछे वाला रास्ता।
होम स्वीट होम फाइनली।